अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए ना जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान में खेलने के लिए किया मना तो भड़क उठे पाकिस्तान के दिग्गज। भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए दे दिया दिल दहला देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका की सीरीज के शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें गौतम गंभीर ने पाकिस्तान में भारतीय टीम से खेलने से मना कर दिया, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज भड़क उठे। इस बीच शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार गौतम गंभीर के पाकिस्तान में न जाने के फैसले पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को पाकिस्तान में खेलने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज खेलने वाली है, जिसके शुरू होने से पहले गौतम गंभीर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकार के सवालों का जवाब दिया। इस बीच एक पत्रकार ने गौतम गंभीर से भारत के पाकिस्तान में जाने को लेकर फैसले के लिए सवाल किया, तो गौतम गंभीर ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सरकार इसका अंतिम फैसला लेगी, लेकिन हमारी भारतीय टीम के खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम न जाए, बल्कि हमारे मैच किसी और देश में कराए जाए। ऐसे में गौतम गंभीर के इस बयान को सुनने के बाद पाकिस्तान के दिग्गज भड़क उठे, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर हमारी तैयारी तेजी से चल रही है, लेकिन अब गौतम गंभीर ने पाकिस्तान में भारत के न खेलने को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसको सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। मुझे नहीं लगता है कि गौतम गंभीर को इस बारे में कुछ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वो एक टीम के हेड कोच हैं। ऐसे में उन्हें अपनी टीम को तैयार करना चाहिए, बल्कि अपनी टीम को पाकिस्तान में न जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में भारतीय टीम का खेलने या न खेलने, ये सब कुछ भारतीय सरकार पर निर्भर है। ऐसे में गौतम गंभीर को पाकिस्तान में भारत के न खेलने के मुद्दे पर बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। तो वहीं इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है, हमारी पाकिस्तान की टीम इस तैयारी में लग चुकी है, ऐसे में भारतीय टीम को भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि भारतीय टीम इस बात को लेकर स्पष्ट हो चुकी है कि उन्हें पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आना है। ऐसे में गौतम गंभीर ने भी कोच बनने के बाद अपनी तरफ से बयान देते हुए कहा है पाकिस्तान में न खेलने का ऐलान किया है, जो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि ICC को भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी और क्रिकेट बोर्ड को फटकार लगानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आप आए या ना आए, लेकिन बार बार पाकिस्तान को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी बेहतर तरीके से हो सकती है, लेकिन लगातार इसको लेकर भारतीय टीम अपना विरोध स्पष्ट कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान में खेलने के लिए आना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होता है तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान में कंडीशन के तहत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, और इसी के कारण गौतम गंभीर भी पाकिस्तान में भारत में जाने से नाखुश है। ऐसे में भारतीय टीम के न आने से मैं भी काफी ज्यादा खुश हो चुका हूं। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि गौतम गंभीर की तरफ से जो स्टेटमेंट पाकिस्तान में न जाने को लेकर आया है वो काफी ज्यादा गलत है। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर एक दिग्गज खिलाड़ी और कोच है, ऐसे में उनका दोनों सरकार और दोनों क्रिकेट बोर्ड के मुद्दे के बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पाकिस्तान में न आने की खबर को लेकर जो बात गौतम गंभीर ने कही है वो हैरान कर देने वाली है। किसी भी टीम के हेड कोच को इस तरीके से बड़ा बयान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए जाएगी या फिर नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ दोनों देश की सरकार कर सकती है। ऐसे में बतौर खिलाड़ी और कोच के तौर पर आपका कोई भी हक नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भौकाल मचाते हुए भारत की बी टीम ने T20 सीरीज को अपने नाम किया, तो खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक ने अब इन युवा सितारों को सलाम ठोका है। यहां तक कि अब युवराज सिंह से लेकर गौतम गंभीर और इरफान पठान ने भी टीम इंडिया की शानदार जीत पर कुछ ऐसा कह गए जिसे सुनकर आप भी उनको दिल से सलाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो कैसे इन महान खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद बांधे हैं तारीफों के पुल, उन सब के दिल जीत लेने वाले बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है सबसे शानदार खिलाड़ी? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत के यंगस्तान ने तो इतिहास ही लिख दिया। जी हाँ,
इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए सबसे रोमांचक पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में जब जिम्बाब्वे ने भारत की युवा टीम को धूल चटाई थी, तब ऐसा लग रहा था कि ये सीरीज तो काफी क्लोज होने वाली है। लेकिन ऐसे ही नहीं, भारत के टैलेंट की पूरी दुनिया गुणगान करती है। ये भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही जल्द दिखाया कि वो जिम्बाब्वे से तो बिल्कुल नहीं हारेंगे। शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया ने ऐसी तगड़ी वापसी करी कि दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा ने शतक ठोक दिया तो तीसरे में खुद गिल और ऋतुराज ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे की नाक में दम कर दिया। चौथे टी20 मुकाबले में बल्ला गर्जा यशस्वी जायसवाल का 93 रनों की उनकी बेमिसाल पारी की बदौलत टीम इंडिया ने जीत की कहानी लिख दी। 3-1 से ये टी20 सीरीज ही अपने नाम कर लिया। तो फिर जब पांचवें टी20 मैच में जिम्बाब्वे की टीम अपनी लाज बचाने के लिए उतरी, तब संजू के साथ मिलकर मुकेश कुमार ने तो जिम्बाब्वे की हालत बिगाड़ के रख दी और टीम इंडिया ने, या ये कहे कि भारत की टीम बी ने, जिसमें युवा खिलाड़ियों की भरमार है, जिसमें पांच युवा खिलाड़ियों ने सीरीज में इंटरनेशनल डेब्यू किया, उन्हें कोई भी इंटरनेशनल खेलने का अनुभव नहीं था, फिर भी जिम्बाब्वे जैसी महान टीम को उन्होंने धूल चटाकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद तो पूरी दुनिया भारत की तारीफों के कसीदे पढ़ रही है। इन युवा खिलाड़ियों की जमकर वाहवाही हो रही है। यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों ने भी उन्हें बेहद ही खास अंदाज में जीत की बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले खुद महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें सलाम ठोकते हुए बड़ा बयान दिया और कहा, अब मुझे लग रहा है कि भारत का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है। सच में जब रोहित और कोहली ने संन्यास का ऐलान किया तो मुझे लगा था कि कहीं हमारे खिलाड़ी लापरवाही न कर दें, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया। यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और जितने भी युवा खिलाड़ियों ने सीरीज में जलवा दिखाया है, वो सब कमाल के हैं। हम सबको उन पर गर्व है। हम सबको प्राउड हो रहा है कि भारत में इतना टैलेंट है कि बिना अनुभव के भी वो जिम्बाब्वे जैसी टीम को इतनी आसानी से हरा सकते हैं। वेल डन गाइज, आप बेस्ट हैं। तो वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया भारत के यंग टैलेंट का ये शानदार प्रदर्शन देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इन्हें लीड करने वाला हूं मैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ भी सिखाने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इन्हें एक बेहतरीन गाइडेंस देना पड़ेगा ताकि वो मुश्किल समय में बिखरे नहीं और वर्ल्ड कप जैसी चुनौती में भी ये टीम चैंपियन बनकर सामने आए। चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग ही क्यों ना हो, ये युवा खिलाड़ी हर फील्ड में उत्तम है और जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम आगामी टी20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। तो दोस्तों, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि लोगों को लग रहा था कि रोहित और विराट कोहली के जाने के बाद टी20 में भारत का दबदबा ही कम हो जाएगा, लेकिन हमारे इन युवा सितारों ने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिखाया, इसीलिए तो भारत को टैलेंट की खदान माना जाता है। शुभमन गिल के नेतृत्व में यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, सभी ने क्या कमाल का काम किया है। सच में मुझे इन सब पर अभी से प्राउड हो रहा है। अब तो मुझे ये लगने लगा है कि 2026 का टी20 वर्ल्ड कप भी हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि हमारा यंग टैलेंट तैनात है दुनिया जीतने के लिए और आप सबको इस सीरीज की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। तो केवल यही नहीं, युवराज सिंह का कहना है कि भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है जो शुभमन और अभिषेक जैसे सितारों के कंधों पर है। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग को इतना आसान दिखाया है जैसे कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हों। उनकी पारी लाजवाब थी, उनकी मैं जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है। इंडिया के यंग टैलेंट की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें जो आग है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो दोस्तों, सच में नई टीम इंडिया के लिए मैं बहुत खुश हूँ, उन्हें दुआएं दे रहा हूँ। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि सीरीज जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? अपनी राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम को मिली जीत में तो दुनिया भर के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई टी20 सीरीज में भारतीय टीम को शानदार जीत मिल गई है, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच केविन पीटरसन, रिकी पॉन्टिंग से लेकर सुनील गावस्कर, शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की सीरीज जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और रिकी सिंह
में कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई टी20 सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिल चुकी है। आज के दिन भारतीय टीम ने एक बार फिर जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया। दरअसल इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को 20 ओवर में 167 रन 6 विकेट के नुकसान पर रोक दिया और इसका पीछा करने के लिए आई जिम्बाब्वे की टीम ने लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन भारतीय टीम इस मैच को जीत गई। जहां भारतीय टीम ने बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हुए इस सीरीज को अपने नाम कर लिया, जिसको देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को इस सीरीज में मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा